हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हम साथ में फिर से कॉम्बैट 3 सिग्नल्स एंड सिस्टम फॉर गेट 2020। तो यहाँ पर फिर से टाइम आ गया है इम्प्लीमेंट करने का आपके कॉन्सेप्ट्स को। आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। एक बेसिक से हमने क्वेश्चन लिया है और अब हम यहाँ से आगे वाले कॉम्बैट जितने भी होंगे उसमें हम चाहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को भी हम डिस्कस करें। तो इसलिए उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म का बेस क्वेश्चन में थोड़ा सा टच है, ठीक है। तो बेसिक्स का ही एप्लीकेशन है। आप एकदम कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कीजिए इसको कि फर्स्ट टाइम में जब आप एग्जाम में अगर हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जो आंसर आए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है हमारे पास अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी हैज फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा एज शोन इन फिगर। आपको ये किसी सिग्नल एक्स टी का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा या एक्स ऑफ जी ओमेगा के नाम से भी गिवन हो सकता था। आपको ये वैल्यू गिवन है 4π इन द इंटरवल -1/4 to +1/4। पूछा गया हमसे, दूसरा एक स्टेटमेंट गिवन है, Another signal g of t is related to x of t as gt is equals to x of t plus mod of x of t. तो पूछा गया है the value of 10 pi times g of t plus 4 pi at t is equals to -14π seconds is. तो सिंपल एक क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है किसी सिग्नल xt का, दूसरे सिग्नल gt को xt के टर्म्स में डिफाइन कर दिया गया है और इस gt सिग्नल की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर पूछी गई है। तो बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है, आराम से सॉल्व कीजिए। एक दो मिनट ज़्यादा चलेगा लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए और जो फर्स्ट आपका आंसर आए उसका बिल्कुल मैं वेट करूंगा। आप उसको कमेंट कीजिए। फिर जब हम इसके सॉल्यूशन में आएंगे तो हम देखेंगे कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक जैसे अगर हमने लिया है तो इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इसके जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट हैं, जिससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, उनको हम कैसे अच्छे से टैकल कर सकें, क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, तो हम चाहेंगे इसको भी थोड़ा डिस्कस कर सकें। तो ऑल द बेस्ट और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।